Hammer D! खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब यार बैग भी देना तेरी भी लोग। ख़वातीन और रात, ओके यान चले, ठीको ना। ख़वातीन और रात, आज का जो लोग है बड़े स्मैक्सी और सो डिलिशियस होने जा रहा है। स्मैक्सी और सो डिलिशियस क्यों होने जा रहा है भाई साहब? आज थोड़ा वीरा सुबह सवेरे नहीं, दोपहर सवेरे नहीं, बल्कि शाम सवेरे उठ गया होया जे। और भाई साहब, मगरब की अजाने अभी अभी कुछ देर पहले होकर हटी हैं और मैं तो कहता हूँ बाहर अंधेरा हो गया यार, दिन सारा ढल गया यार। अब क्या करें, अब हम फौरी तौर पर कर लेते हैं जी वेलकम आपका अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आपने बदर भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को मस्ट लाइक और कमेंट कर दी ना। अभी चुके थड़ा वीरा सुता पे नहीं उठा, स्नैपचैट से फिल्टर तो गुजारा मुजारा हो रहा है, कंगी शंगी कर लिए, वाल शाल नहीं खिल रहे, सो लिहाजा थड़ा वीरा आज का व्लॉग सो डिलिशियस बनाने वास्ते अपने वास्ते नाश्ता आप ही तैयार कर रहा है। ओए हुए 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 हो, चलाओ बर्ची खाने में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास आज नाश्ते में उजाड़ा करने के लिए क्या क्या है। आ जाओ चलते हैं जी बबर्ची खाने में, हेयर वी गो। अभी हम आ गए जी बबर्ची खाने में और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि थड़ा वीरा अपने वास्ते आप ही जरा नाश्ता तैयार कर रहे हैं। मेरा कहना मतलब है चेक करो, पहले तो भाई साहब नान चने पड़े हुए थे, हमने सिर्फ नान जो है ना वो सेका लगाना है। आई होई होई होई, नान को सेका लगाने का तरीका यही है कि भाई साहब नान को अच्छी तरह जरा गीला कर लें, गीला करने के बाद आप उसको तवे पे ऑयल डाल लें, तवा गर्म कर लें, फुल्ली गर्म होना चाहिए और ये थोड़ा सा बन जाता है क्रिस्पी क्रिस्पी भी। ये देखो कैसा है, नहीं आपको देखो। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है जी सैंडविचेस, ओहो ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं इसके ऊपर, ये बड़ा मज़ेदार सैंडविच के स्लाइस हैं। उसके अलावा यहाँ पर दाल माश है, उसके अलावा यहाँ पर जी चने एंड अंडा है जो कि ये बाज़ार से लेके आए थे। सो लिहाजा अभी जैसे ही नाश्ता तैयार करते हैं ना सारा, तो फिर हम आपको मिलते हैं, हम आपको मिलते हैं सीधा खाने वाली टेबल पे। हेयर वी गो। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है हम खाने वाली टेबल पे बैठ चुके हैं और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक दफ़ा पढ़ ले माशाल्लाह। चले कोई नहीं, आपकी नेकियों में भी इजाफा हो जाएगा। भाई साहब ये चेक करो, ये थोड़े वीरे ने क्रिस्पी क्रिस्पी नान जो है ना अपने हाथों से सेके हैं, मैं तो कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा। साथ चने हैं, साथ ये है जी कटलस, साथ ये है जी मैक्रोनी, ओहो साथ ये है जी मैंगो, साथ ये है जी कॉक, और उसके अलावा दालमाश, केचप, मायनीज़ और एवरीथिंग इज़ सो डिलिशियस। पानी शानी भी है, सो लिहाजा टाइम हुआ चाहता है जी उजाड़ा टाइम। सो खातिर अभी थोड़ा वीरा आ गया जे नाश्ते का उजाड़ा करन तो बाद, नाश्ता बड़ा मज़ेदार सी यार, ऑप्टिमम डाइट भी बनाना याद नहीं रही। सो लिहाजा अपनी शॉप पे आ गया थोड़ा वीरा, तुम कहोगे कि कितने आ गया भाई, शॉप पे आ गया ना यार, समझा करो यार क्या करते हो। और भाई साहब नज़मे नाते यहाँ पे चल रही थी और अभी टाइम हुआ चाहता है कि शॉप को क्लोज़ करने का। भाई साहब बड़ा लेट आया ना शॉप पे, तो कोई सारा दिन हम घर में रहे हैं, डिनर शिनर करते रहे हैं, ठीक है, और मेरा मतलब डिनर कह रहा हूँ क्या करते रहे यार, घर के काम शाम करते रहे हैं, फिर अभी शॉप पे आए हैं तो लड़का चला गया है। और हमारे साथ और कौन कौन है भला आपको बता दें, और कौन कौन है, रुको जरा बाहर की, ये हमारे साथ हैं जी ये दोनों। अस्सलाम वालेकुम दोनों को, दोनों को वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक ठाक हो? तो यार टाइम क्या हो गया अल्लाह के हुक्म से, 10:04, लड़का 10 बजे चला गया ना, तो हम आए हैं ज़रा लेट, साफ सूफ लिया उसे, तो अभी टाइम हुआ चाहता है जी शॉप, हमने कहा कि खुद बंद करेंगे और ताला किधर है, और हम सिर्फ शॉप बंद करने आए हैं और हिसाब किताब लेने आए हैं, तो चाबी ये रही चाबी। सो लिहाजा शटर डाउन करने के बाद फिर हम आपको मिलते हैं किसी उजाड़े वाली जगह पे। भाई साहब डिनर तो करना है ना, उजाड़ा करना है कि नहीं करना? बर्गर से मैं सोच रहा हूँ स्टार्टर कर लें, लेकिन नहीं भाई साहब उजाड़ा करेंगे, उजाड़ा अच्छी तरह डिनर का भी उजाड़ा करेंगे। सपा भाई अभी थोड़ा वीरा बैंक आ गया होया जे, और भाई साहब कुछ खाने से पहले पेमेंट वाला तो बड़ा ज़रूरी है ना यार, तो क्या करते हो? तो यहाँ से अभी हम कुछ पेमेंट बाहर निकलवा लेते हैं भाई साहब, जैसे कि 10-12 हज़ार रुपया निकलवा लेते हैं भाई साहब, कई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,00,000, 10,00,000, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 अरब, 10 अरब, 10 खरब अभी नहीं यार, तो भरे तो इतना पैसा नहीं आ रहा हमारे पास, क्या करते हो रे बाबा। सो पहले कार्ड आता है, फिर मोबाइल वाइब्रेट करता है, मोबाइल में मैसेज आता है, और फिर उसके बाद यहाँ से पेमेंट आता है और फिर मुँह से राले टपकती हैं। अरे बाबा ये देखो ना, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया निकलवाया, नहीं अब खुद देखो यहाँ पे। सो भाई साहब अब कहीं पे चलते हैं कुछ उजाड़ा करने, और समझ नहीं आ रहा यार, दो नान खाए थे, इतना कुछ खाया था नाश्ते में, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि अभी डिनर में क्या चीज़ खाएँ क्या ना खाएँ, और हल्का फुल्का सा खाएँ कुछ क्या खाएँ यार, आप भी सजेस्ट नहीं करते कि खाएँ क्या, स्यापा पै गया। सो लिहाजा अभी फिलहाल ATM से तो बाहर निकले क्योंकि बाहर रश लग गया यार, ब्रदर भाई ATM में ज़्यादा, चलो चलते हैं देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। बात सीधी है कि भाई साहब खाने की अभी भूख नहीं लग रही, डिनर की भूख नहीं लग रही क्योंकि नाश्ते बड़ा हैवी कर लिया था। सो मीठा मीठा खाएंगे, लाजमी खाएंगे। सो बे बेकरी आ गए कितने दिनों के बाद, से अपनी भी आ गया, चलो अंदर से कुछ फलुए शलुए पैक करवाते हैं और सीधा चलते हैं जी चमन। यहाँ सामने बे बेकरी है, ठीक है, नहीं आप खुद देखो ना, और यहाँ पर है जी अपना शिकरा जी, और यहाँ पर है जी हम बे बेकरी से हम सिर्फ एक ही चीज़ लेते हैं और ये छोटी ख़त्म हो गई है, बड़ी पड़ी है सिर्फ। सो तो
बे बेकरी से फलुए शलुए पैक करवाने के बाद अभी थोड़ा वीरा आ गया होया जे चे फोर चमन आई होई हो। और ये है जी बाइक का टोकन आई हो चमन आइसक्रीम 32 नंबर बाइक है भाई। शिकरा थले लग गया भाई। ओहो शिकरा थले नहीं लग गया, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ से भाई पिस्ता बादाम एंड क्रंच फ्लेवर ऑर्डर कर दिया और आज थोड़ा वीरा जो है ना सिर्फ मीठे से ही गुजारा मुजारा करेगा। ये पैक इसी वजह से करवाया ताकि घर वालों का भी कोई हक होता ना यार, समझा करो ना यार क्या करते हो। सो लिहाजा घर जाके इसका फलूवे का उजाड़ा करेंगे, सिर्फ एक ही हमने वहाँ पे उजाड़ा किया और बाकी घर जाके उजाड़ा करेंगे। सो लिहाजा अभी आइसक्रीम का तो उजाड़ा करें ना यार, यहाँ से इधर चेक कर लो, इधर चेक कर लो। सो लिहाजा यहाँ पर जी क्रंच फ्लेवर एंड पिस्ता बादाम फ्लेवर है चमन वालों का। ओए किधर जा रही है, इधर आ जा। और यहाँ पर हैं जी हम चमन से आइसक्रीम का उजाड़ा करने के बाद। भला कहाँ आ गए आप, खुद देखो ज़रा थोड़ा सा। मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा ट्रेन ना दिखा दी जाए, तो ट्रेन 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 ओह भाई साहब ये ट्रेन निकलेगी कब यार। सो लिहाजा मैं तो बस वैसे ही दिल कर रहा था देखने को, इसी वजह से रेलवे स्टेशन आ गया हूँ ट्रेन देखने। तो जैसे निकलती है ना फिर आपको दिखाता हूँ कि निकलेगी कैसे। ऐ कहता मैं ऐ कह की देता मैं, ओहो हॉर्न मार रही है, लगता है तो निकलने वाली है। वैसे निकलती कितने बजे साहब जी? पूरे 12:30 हुई चल पड़ी, अल्लाह माफ़ करे। ये क्या हो गया, अरे बाप रे बाप, अरे यार ट्रेन चल पड़ी, रे बाबा रे बाबा, बाय बाय टाटा थैंक यू। आए ये बैग शैग इधर रख दो, आए इधर बैठ जाओ और ट्रेन को इधर बैठ के चौंकड़ी मार के ए आए आए आए। सो ऐसे कर दो यहाँ पर जी हम और यहाँ पर है जी ट्रेन, बाय बाय टाटा। चलो जी ट्रेन चलेगी यार, हाँ मैं भी जाना सी ट्रेन दे बच्चे। ओए होए स्यापा पै गया यार, बड़ा दिल कर रहा है साजी क्या करूँ क्या करूँ भाई, आप बता दो क्या करूँ। ओए एसी स्टैंडर वल्ला हबीबी, इसमें बैठेंगे और फिर ये आ गई पॉपुलर कार, रे बाप यार इसमें भी बैठेंगे भाई। वो गिर गया बेचारा कोई ना कोई, अच्छा वो वैसे ही गिर गया। ये देखो ये आपके वीरे का फेवरेट डब्बा है पॉपुलर कार। फिर उसके अलावा ये आ गया बैक इंजन। ओए होए 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 बाय बाय अंकल को, बाय बाय कर दे अंकल को, बाय बाय कर दिया। ओए तुहाडे वीरे का बड़ा दिल कर रहा है लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम सही। कैमरा बंद कर दे तो चलिए कार सीधा। मैं वैसे वारा करती करते करते इधर रेलवे स्टेशन से क्यों आ गए यार, मैंने समझ नहीं आ रही बदर तेरी की चीज़ है यार तू बदर चलो 12:30 वाली ट्रेन निकल गई। इसो भाई साहब अभी रेलवे स्टेशन से फ्री होने के बाद ना हम आ गए जी, कहाँ आ गए नहीं आप खुद देखो ना, ये खुद पढ़ लो ना कहाँ आ गए हैं, स्यापा नहीं पै गया। सो लिहाजा भाई साहब हम आ गए हैं जी चीज़ियस और हमारे पास ये क्या क्या आई जा रहा है यार, मुसलसल आई जा रहा है। ओए होए ओहो हो बे बकरी की तरह, अरे बाबा। और भाई साहब ठंडे वीरे ने अकेले ने देखो कितना कुछ ऑर्डर कर लिया, नहीं आपको देखो ना माशाल्लाह माशाल्लाह आई जा रही हैं चीज़ें, ले आओ ले आओ गुड बॉय। सो अभी टाइम हुआ चाहता है जी इन सारी चीज़ों का उजाड़ा करने का। भाई साहब ठंडा वीरा फुल्ली रज गया जे दोवें बर्गर कट्ठे शुरू कर ले सन। सो लिहाजा मैं तो कहना एवं असी KFC जाने मैकडोनल्ड जाने चीज़ी अस एक ब्रांड यार, मैं फुली मज़ेदार हालांकि मैं रजिया वहाँ फुल लेकिन उजाड़ा करने तो मैं बाज नहीं आ रहा। चेक करो ना भाई साहब बड़ी मज़ेदार सॉस, बड़ा मज़ेदार जिंगर का पीस। ओए होए 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 बिस्मिल्लाह मज़ेदार। अब यहाँ पर जी चेक कर लो उजाड़ा, तबाइयाँ बर्बादियाँ बोतल बस रहेगी अब। सो ओए इसके अंदर से ना भाई साहब चिकन का सारा पीस निकाल के मैं खा गया लेकिन ये बंद नहीं खाया गया भाई दूसरा, एक तो मैंने उजाड़ा कर दिया। सो लिहाजा यहाँ पे एक और स्वैग है, यहाँ पे होने जा रही है जी बर्थडे और इस बच्चे की बर्थडे है छोटी की और ये सारा स्टाफ जो है ना उसको अप्रिशिएट करेगा। सो लिहाजा इनको भी रिकॉर्ड करते हैं भाई बीच में। चलो भाई रेडी शेडी गो कर दो यार और वो सॉन्ग लगा दो, हैप्पी बर्थडे 3-2-1 हैप्पी बर्थडे 3-2-1 ये लिखो है प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड। हाँ जी और KFC को तुम यार क्या करते हो यार, प्राउड कर लिया करो ना कभी कभी भाई साहब। सो शुरू कर लो ना यार, वेरी नाइस यार क्या चीज़ है अजीब चीज़ है सर। वेरी नाइस यार क्या बात है भाई, स्वैग है यार ये भी एक। चलो बिल कटवाते हैं और निकलते हैं सीधा घर भाई साहब, इट्स सा उजाड़ा तो खत्म हो गया। सो खवातीनो हजरात अभी थोड़ा वीरा घर आ गया होया जे, और भाई साहब मैं तो कहता हूँ कि यार उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग देखकर मज़ा आया होगा, वो इसी वजह से भाई साहब चीजियस आए हाए हाए। मैं तो कहता हूँ एवं मैं फिर दोबारा कहता हूँ आपको कि KFC यार बाइकआउट कर दो, मैकडोनल्ड बाइकआउट कर दो और किस किस का बाइकआउट करना है यार, जिसका करना कर दो यार, स्यापा पै गया मैं तो कहता हूँ। लेकिन चीजियस ओए हो मज़ा ही आ गया भाई चीजियस खाने का। सो चीजियस
में शुगल आज ये लग गया कि भाई साहब अगर किसी की हैप्पी बर्थडे है ना तो भाई साहब वहाँ पे केक ले जाए और भाई वो जितने भी वेटर शेटर हजरात होंगे ना वो आपके साथ अप्रिशिएट थोड़ा सी तालियां तूलियां मार देंगे ना यार क्या यार, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। सो उससे पहले हमने चमन आइसक्रीम का उजाड़ा कर दिया, आज मीठा पहले खा लिया और डिनर बाद में कर लिया कैसा, और मीठे में भाई साहब बेकरी के फलुए भी उजाड़े कर दिए। घर लेके आए हैं, घर वालों को हम रिश्वत देंगे ताकि घर वाले जो है ना हमसे थोड़ा थोड़ा काम करवाया करें, इतना ना काम करवाया करें। बर्तन धो दिए, कपड़े धो दिए, झाड़ू पोछा कर दिया। यार मैं कहता हूँ कि आपके साथ भी ये अत्याचार होते हैं कि नहीं होते? हमारे साथ तो होते हैं भाई, आपके सामने ही है सारा कुछ। सो लिहाजा आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग लंबा भी बन गया होगा। अगर तो आप बदर भाई यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को मस्त लाइक और कमेंट कर दें ना। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, मुझे दे दें इजाज़त। औ का फर्र।